महाराष्ट्र के सतारा जिले का मान तहसील सूखे की पहचान माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मान की इसी पहचान ने अपनी पहचान बदली है किरकसाल जैसे गांवों के माध्यम से। 398 मिलीमीटर एवरेज रेनफॉल होने वाले मान तहसील के किरकसाल में 1998 से 2012 तक टैंकर से पानी पहुंचाया जाता था। गांव के कई नौजवान नौकरी के लिए मुंबई में स्थित रहते थे, लेकिन सरकारी योजना जैसे जलयुक्त शिवार योजना, आदर्श गांव योजना तथा मनरेगा और पानी फाउंडेशन जैसे सामाजिक संस्थाओं ने लोक सहयोग के माध्यम से गांव का भविष्य उजागर किया, जिसमें ग्राम पंचायत का अहम रोल रहा। गांव के हर कोने कोने में सीसीटी, नाले की खुदाई, मिट्टी के छोटे तालाब, कंपार्टमेंट बंडिंग जैसे सिंचाई के अहम काम किए गए, जिसके कारण गांव की वाटर लेवल में अविश्वसनीय सुधार हुआ। गांव के सहयोग के माध्यम से आज गांव में 5 किलोमीटर तक नाले की खुदाई, 250 हेक्टर कंपार्टमेंट बंडिंग, 290 हेक्टर सीसीटी, 297 एलबीएस स्ट्रक्चर्स, 18 सीमेंट के बांध, 34 मिट्टी के बांध, 13 कृत्रिम खेत के तालाब तथा 14,000 तक ट्री प्लांटेशन किया गया। जहां गांव की कई एकड़ जमीन बंजर पड़ी रहती थी, वहां आज अंगूर, खजूर, आम, प्याज, टमाटर, सब्जियां ऐसी फसलें दिखाई दे रही है। समय समय पर सरकार ने भी गांव के लोगों को ट्रेनिंग देना, मीटिंग का आयोजन करना ऐसे अहम भूमिका अदा की। हमसे पानी वॉटर टैंकर वरती डिपेंड होता। या ठिकाणी आम्ही आता आंब्याची शेती केलेली आहे। या ठिकाणी साधारणपणे 2,000 आंब्याची शेती मी लावलेली आहे। गांव में काम शुरू होने से पहले लगभग 245 करोड़ लीटर पानी की किल्लत थी। आज वही किल्लत सिर्फ 15 करोड़ लीटर रह गई है। इथं गवत उगवत होतं, त्या ठिकाणी आता पाण्याला विहिरीला वाढलं आणि त्याच्यामुळं आमच्याकडं आता झाडं लावायची योजना आता बऱ्यापैकी झाली सुरू। गाव छोड नोकरी करने वाला नौजवान आज पाणी के कारण गाव में वापस लौटा है। जहां गाव के 500 हेक्टर जमीन पर साल में सिर्फ एक बार फसलें दिखती थी, वही आज 900 हेक्टर जमीन पर दो बार अच्छी फसलें दिखाई दे रही है। आज गांव के किसान का प्रति एकड़ उपज 60,000 रुपए से 80,000 रुपए तक गया है। खरीफ की फसलें 600 हेक्टर के जगह 1,000 हेक्टर में तो रब्बी की फसलें 500 हेक्टर से 900 हेक्टर तक तथा 12 माह आने वाली फसलों में 20 हेक्टर से 100 हेक्टर तक का सुधार हुआ है। लोगों का सहयोग तथा सरकार की नीतियों के कारण आज किरकसाल देश के लिए एक उदाहरण के तौर पर उभरा है।